पूर्णिया में बिटकॉइन ने मचाया तहलका। दरअसल पूर्णिया के गिरजा चौक अवस्थित टाउन हॉल में बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसमें निवेश करके लाखों कमा सकते हैं, इसी को समझाने के लिए बिटकॉइन एक्सपर्ट प्रशांत सिंह के द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल समेत कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में सदस्य एवं आमजनों ने बिटकॉइन को समझने के लिए पहुंचे। शिविर के माध्यम से बिटकॉइन एक्सपर्ट प्रशांत सिंह ने बारी बारी से बिटकॉइन के बारे में समझाया एवं आम लोगों से इसमें निवेश करके अपने करियर को संवारने की सलाह दी। इस दौरान प्रशांत सिंह के द्वारा कई निवेशकों को अच्छे कार्य के लिए बुके एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी के अधिकारियों के सम्मान समारोह के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें जबरदस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा भी तमाम लोगों का अभिवादन किया गया।
से बात करते हुए बिटकॉइन एक्सपर्ट प्रशांत सिंह ने कहा कि भारत में इस समय लगभग 50 से 60 लाख बिटकॉइन यूजर्स है और अभी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 20 लाख रुपया है और आने वाले समय में इसमें जबरदस्त उछाल होगा। यहाँ कार्यक्रम किए हुए हैं टाउन हॉल पूर्णिया में, तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के मार्केट के बारे में लोगों को सही जानकारी दे, क्योंकि लोगों के बीच में सही से जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर सही जानकारी होगा तभी लोग उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे या उसके विषय में आगे बढ़ेंगे। और यह मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, क्योंकि बिटकॉइन जब शुरुआत हुआ था 2009 में तभी एक बिटकॉइन कीमत कुछ भी नहीं था, माना गया था 6 रुपये के आसपास। आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर से हैं और अगर आप जी न्यूज़ का DNA रिपोर्ट भी देखेंगे तो सुधीर चौधरी ने भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि बिटकॉइन का कीमत 6 रुपये था 2009 में, और 2016 में जब उनका न्यूज आया था तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उस दिन बिटकॉइन का कीमत आपको 46,000 के आसपास 45,000 के आसपास था, और आज वर्तमान प्राइस अगर बिटकॉइन का देखें तो 21 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। और इस मार्केट के बारे में अगर कोई भी इंसान सही से जानकारी रख ले, इसमें निवेश करे अगले 3 से 5 साल के लिए, तो उसका पैसा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, बशर्ते उसके पास इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं जानकारी का कमी है। और मेरा मानना है कि दुनिया में अगर शॉर्टकट पैसा कमाना है तो उसका एक ही रास्ता है और वह है नॉलेज, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है और उस नॉलेज को आप उस क्षेत्र में यूज कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र से बहुत ही अच्छा इनकम होने वाला है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसका यूज पूरे दुनिया में हो रहा है लेन देन के रूप में। जैसे हम लोग रुपया से लेन देन करते हैं अपने देश में, इसे हम एक प्रोडक्ट की तरह मान के चल सकते हैं। हाँ देखिए, प्रोडक्ट भी आप मान सकते हैं, मानने वाला कुछ भी मान सकता है, बट हम लोग इसको प्रोडक्ट इसलिए नहीं माने क्योंकि यह एक करेंसी है, पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है। आज पेटीएम को आप प्रोडक्ट मानेंगे कि एक वॉलेट मानेंगे, एक डिजिटल वॉलेट मानेंगे, और साथ ही साथ पेटीएम आज पूरी तरह से डिजिटल बैंक है। जहाँ तक मुझे जानकारी है पेटीएम का अभी तक कहीं भी ऑफलाइन बैंक नहीं है, शायद कहीं हो। अच्छा ये बताइए कि बिटकॉइन अगर इंडिविजुअल कोई करना चाहे वो कर सकता है या फिर उसके लिए ग्रुप में मार्केटिंग में जुड़ना जरूरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिटकॉइन अगर कोई भी इंसान चाहे तो खुद से ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके परचेज कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हाँ, बट होता क्या है कि किसी न किसी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का अगर जाइए तो आपको उसका एक अच्छा जानकार होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई एक अच्छा जानकार है, सलाहकार नहीं, क्योंकि सलाह 100% सही नहीं हो सकता है। गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट 100% सही नहीं हो सकता, मगर जानकारी किसी भी चीज़ का 100% सही होगा। अगर आप किसी जानकार के माध्यम से इस मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको अपने अनुभव से भी ज़्यादा इनकम यहाँ पर होने वाला है। ये जानकारी से, हमारे जानकारी से लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जानकारी हो बिटकॉइन के मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग मार्केट के बारे में, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, जैसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी बात होता है तो उनके मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। यह डर इसलिए होता है क्योंकि उनको इसके बारे में सही नॉलेज नहीं होता है। अच्छा, ये सेमिनार महज एक जानकारी के लिए? हाँ, यह सेमिनार हमने बस एक अच्छे जानकारी देने के लिए लोगों को किया है।